नीतीश कुमार जी का आवास है, उसका सर्च किया जाए, वहाँ गांजा मिलेगा, वो गांजा पीता है, सर्च किया जाए। सदन की बात को आसन गंभीरता से ले रहा है और आसन को भी पता है कि वहाँ क्या क्या होता है, कार्रवाई होगी। आप अपने जब पिल्ला से बैठा के रखे हुए उसको संभालिए पहले, नहीं तो बहुत अप्रिय घटना होगी, बिहार की जनता रोड पर आ जाएगी। बिहार पुलिस का विपक्ष के नेताओं पर लाठी डंडे लत्तम जुत्तम के बाद कर संबोधित किया गया है, और ये कहा है आरजेडी के एमएलसी सुबोध कुमार राय ने। हम लोग कोई चोर चुहार है क्या? चोर चुहार है? जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है विपक्ष के सदस्यों के से, क्या हम लोग चोर चुहार है क्या? आप अपने जब पिल्ला से बैठा के रखे हुए उसको संभालिए पहले, नहीं तो बहुत अप्रिय घटना होगी, बिहार की जनता रोड पर आ जाएगी। एकदम बहिष्कार करेंगे, वैसा मुख्यमंत्री मंजूर नहीं, जो मुख्यमंत्री को लाज लज्जा नहीं वैसा मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है हम लोग को। नए पुलिस बिल को लेकर के बिहार सरकार और विपक्ष के बीच जमकर आरोप और प्रत्यारोप किया जा रहा है। इन सब के बीच राजद के एमएलसी सुबोध कुमार राय ने एक शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने जदयू एमएलसी को सीएम का पिल्ला करार दे दिया। सुबोध कुमार ने ये कह दिया कि सीएम मेरे सामने अपने पिल्ले को भेज देते हैं, वैसे पिल्ले को हम दिन रात चलाते हैं, ऐसे लोग यहाँ नहीं चलेंगे, उन्हें अपने घर में बांध के रखिए। आपको बता दें कि सुबोध सिंह की नाराजगी इस बात से थी कि आज विधान परिषद में अपनी बात को रखने के दौरान संजय सिंह उनके सीट के सामने आकर के खड़े हो गए। सुबोध सिंह ने कहा कि हम कल सदन में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन सीएम ने हमें ऐसा नहीं करने दिया और हमें रोकने लगे। इसी बीच संजय सिंह आगे खड़े हो गए और ये चीज सुबोध कुमार राय को नागवार गुजरी। कल जिस तरीके से सदन में अमर्यादित चीजें हुई उसे सुनकर सभी शर्मसार हुए, और बिहार की राजनीति की चर्चा भी अब इसीलिए हो रही है कि जिस तरीके से कल सदन में हुआ वो इतिहास का काला दिन था। आपको बता दें कि इसको लेकर के सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर राबड़ी देवी ही क्यों ना हो, सभी ने नीतीश कुमार को शर्म करने की हिदायत दी है। लेकिन नीतीश कुमार भी आज विधान परिषद में बौखलाए हुए दिखे और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने खुद ही अपने नेताओं को उकसाया है, जबकि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इस तरीके से विरोध करना चाहिए। नीतीश कुमार तो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नौ निर्वाचित लोग सदन में आए हैं पहले उनको ये पढ़ना चाहिए कि सदन में किस तरीके का सलूक किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय से गुहार करते हुए नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि आप पहले उन लोगों को बताइए कि सदन में बैठा कैसे जाता है, उसके बाद उनको बताइएगा कि सदन में क्या क्या कानून व्यवस्था है जिसके तहत आप यहाँ बैठ सकते हैं। फिलहाल अभी बिहार की राजनीति इसीलिए चर्चे में है क्योंकि आए दिन नेताओं की अमर्यादित बयान और गाली गलौज तक सुनने को सदन में मिल जा रहा है। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।